आज नुसरत नजर नहीं आई। वो इकबाल का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाने गई है। इट इज सो अनफेयर। हम दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं और अपना बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाए। अरे ये नया टाइम टेबल देखा, मेरे सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं, मुझे हिंदी भी दे दिया है। ऐसी कैसे, तू आर्ट क्राफ्ट की टीचर है, तू हिंदी पढ़ाएगी तो फिर मिस्टर चतुर्वेदी क्या पढ़ाएंगे? What nonsense! इतने क्वालिफाइड हिंदी टीचर को पीटी इंस्ट्रक्टर बना दिया, ये गुप्ता ऐसा क्यों कर रही है? मुझे लगता है ये मिस्टर चतुर्वेदी के फेयरवेल की तैयारी है। फेयरवेल? ये कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। मिस्टर चतुर्वेदी गुप्ता के पहले टारगेट हैं। मतलब? मतलब इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दे दिया है जिसके लिए खुद फिजिकली फिट नहीं है। बेचारे चतुर्वेदी जी खुद ही कुछ दिनों में थक हार कर जॉब छोड़ के चले जाएंगे या सरप्लस कहकर निकाल दिए जाएंगे। पानी ले, पानी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? आई, तेरे पैर कैसे सूज गए? मैं काम करती हूँ, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। आई मैं। ज्यादा गर्म तो नहीं है? बस कर आई, कितना काम करेगी, हो गया अब आराम कर। तेरी सीए होने तक करूंगी, बस 2 साल और, फिर तू कमाना और हम आराम करेंगे। अरे ये कभी आराम नहीं करने वाली, इसकी सोशल सर्विस हमेशा लगी रहेगी। अगर नौकरी छोड़ भी दी तो अपने जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती रहेगी बस। लेकिन आज नहीं आई, आज मैं बच्चों को मना कर दूंगी। नहीं शिल्पा, उनके एग्जाम्स हैं, थोड़ी देर, अच्छे नंबर से पास होंगी, प्लीज बेटा। और वो अच्छे नंबर से पास हो गए तो मुझे वो खुशी मिलेगी जो रमाकांत आचरेकर को मिलती होगी जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता था। देखा? आई, तू आ स्कूल को छुट्टी कर और घर पे ही आराम कर, वरना बुखार बढ़ जाएगा। हाँ
नहीं रे, 99 नॉट आउट हूँ। सेंचुरी होती तो छुट्टी ले लेती। बस तू मुझे बुखार की गोली दे, फिर देख मैं कैसे बैटिंग करती। आई सी द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, दिस मींस द सॉल्यूशन इज अ बेस। अगर ये एसिड होता तो देन द कलर वुड टर्न टू रेड। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री सीखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ओके तो वो है पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। बी फॉर बी फॉर बद्री, बी फॉर एच फॉर हरी, एच फॉर दैट्स राइट, सोना चांदी तोल, साइन कॉस टैन, पी ओवर बी। अब इसको अपनी अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ओके Sit down. Thank you, madam. Vidya ma'am. आपको शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों की सीट पे सो रही थी। मैं सो नहीं रही थी रूपा, मैंने नोट्स लिख दिए, बच्चे कॉपी कर रहे थे। अच्छा, आपने चेक किया कि वो कॉपी कर रहे हैं या इसकी जरूरत नहीं समझी आपने? मैं चेक करती हूँ। आप चेक नहीं कर रही थी, आप सो रही थी। मैं सो नहीं रही थी। Why are you creating a scene? I am creating a scene? This is the way you talk to your supervisor? But you can't just go on. क्या हो रहा है? देखिए ना मैम, ये बच्चों की सीट पर सो रही थी। मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो ये आर्ग्यू कर रही है। मैं आर्ग्यू नहीं कर रही थी, मैं अब सिर्फ आप मेरे साथ आर्ग्यू करेंगी? मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही थी कि क्या हुआ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है और मैं ठीक से खड़ी नहीं। बुखार है तो घर बैठिए ना, स्कूल आने की जहमत क्यों उठाई आपने? ब्लैकबोर्ड पर कुछ सवाल लिख दिए, अब बच्चों से नोट कर रहे हैं या कार्टून्स बना रहे हैं, आपको क्या पता? एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास में पढ़ाई के समय बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, कार्टून नहीं बनाते। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम। Let's have a surprise test. How many of you know about trigonometry? लेकिन ये तो पहला lesson. बस तीन हाथ. You. What's your name? Ma'am, Rohan. Rohan, come here. Explain trigonometry. Come on. पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री बद्री
प्रसाद प्रसाद हरी 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 बोल बोल सोना सोना चांदी चांदी तोल रूपा जी आप बाहर आइए अनबिलीवेबल आप मैथ्स पढ़ा रही हैं कि संस्कृत पढ़ा रही हैं मैं यहाँ पर अपने स्कूल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाना चाहती हूँ और आप मैथ्स की क्लास में पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पढ़ा रही हैं But that's the simplest That's formula the most outdated formula, ma'am. Can I make a suggestion? आप voluntary retirement क्यों नहीं ले लेती यही तो तुम चाहती हो ना कि हम सब तंग आकर स्कूल छोड़ दें ताकि तुम अपनी मर्जी के न्यू टीचर्स अपॉइंट कर लो जो तुम्हारी चमचागिरी करे How dare you? Do you know who you're talking Yes, to? I know, and now you listen to me. ये हमारी बदनसीबी है कि तुमको हमारे सर पे बिठा दिया गया है कोई अच्छा काम करना तो दूर तुम सिर्फ अपना पावर जताती हो क्योंकि तुम सेडिस्ट हो और टीचर्स को टॉर्चर करने में तुम्हें मजा आता है मजा तो अभी आया नहीं है विद्या सावंत मजा तो तब आएगा व्हेन आई चक यू आउट ऑफ द स्कूल अच्छा इज इट दैट इजी किस बुनियाद पर आई डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस आई जस्ट टेक एक्शन Outdated, incapable, incompetent teacher? Parents की complaint लिखित में मेरे खिलाफ मैं incompetent हूँ नहीं नहीं मैम नहीं मैम मुझे पढ़ाना नहीं आता ये गलत है नहीं मैम ऐसा मत सोचिए दीदी दीदी मैम दीदी दीदी
ठीक है? चलो तुम लो, आ गई हिटलर, अब दिखाएगी अपनी हिटलरगिरी। हॉरिबल कलर, इसको किसी और कलर के साथ मिक्स करो मंजीत जी। बैड चॉइस। पूरे आलम को फतेह करेंगे हम, पूरे आलम को। हेलो मैम। सब आप ही करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? जरा ठीक से कराइए, पुल द मैम। यस मैम। रिमेम्बर वन थिंग, हमेशा आपको अपने मम्मी डैडी दिखने चाहिए, मतलब वो आपको देख सकते हैं। अगर आप एक दूसरे के पीछे आएंगे ना तो छिप जाए। ज्योति कहना सी सम रिहर्सल्स, अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गई हो तो। ओके ओके चिल्ड्रन, फ्रॉम द बिगिनिंग, नुसरत म्यूजिक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Okay, that's it. Not good enough. स्टेप्स बदल दीजिए इनके, थोड़ा और अच्छा करो इसे। जरा टीचर्स को बुलाना प्लीज। ओके, ऑल टीचर्स कम हियर, ऑल टीचर्स कम हियर। ये कल के एनुअल डे का पूरा शेड्यूल है और आपके ड्यूटी चार्ट्स भी, इसे इसी तरह फॉलो करिएगा। डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। कल सुबह ठीक 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है। 8 बजे क्यों? प्रोग्राम तो 12 बजे शुरू होगा ना, तो फिर हम नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, प्रिंसिपल का ऑर्डर है, लीव। मे आई कम इन मैम? प्लीज कम इन मिस गुप्ता। थैंक यू। कल हमारे डायरेक्टर्स 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। ट्रस्टी मनसुख भाई और उनके बेटे अनमोल भी आ रहे हैं। अनमोल हैज डन एमबीए फ्रॉम लंदन। हमारी पूरी तैयारियां हो गई ना? जी, मैं पर्सनली सारे प्रोग्राम को सुपरवाइज कर रही हूँ। ये रही ड्यूटीज की लिस्ट। गुड, वेरी गुड। टीचर्स की रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे की बजाय 10 बजे कर दो। 8 o'clock इज टू अर्ली। रेस्ट ऑल इज फाइन। श्योर। सोचा था कल एनुअल डे वाले दिन थोड़े आराम से आएंगे, लेकिन ये हिटलर भी ना किसी को चैन से जीने नहीं देगी। सुबह 8 बजे बुलाने की साजिश भी सी हिटलर की है। प्रिंसिपल मैडम का तो नाम ले रही है, टीचर्स पर एवं ही थॉस जमाती रहती है। मेरा बस चले ना तो मैं इस हिटलर का ना। मंजीत, शर्म नहीं आती? अपने सुपरवाइजर का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता स्कूल में क्या चल रहा है? Exactly, गुप्ता की आवाज। हमारे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। Am I right, Rupa? है? Yes, madam. You can never be wrong. तू बड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। है? बहुत अच्छी। हाय रुपा। चल हट। Very good. चुप। ज्योति मैडम, एक बात बताएं, आप अभिनय इतना शानदार करती हैं, आप नृत्य भी उत्तम श्रेणी का करती हैं, और हमने तो सुना है आप राजकीय स्तर पर बैडमिंटन भी खेला करती थी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक मिनट चतुर्वेदी जी, आप तो स्टाफ रूम में भी ऐसे बात करते हो जैसे तुलसीदास पढ़ा रहे हो। सीधा सीधा नहीं कह सकते कि ज्योति तुम इतनी टैलेंटेड हो तो कोई बड़ा प्रोफेशन ले लेती। ये कांता बहन में साइंस की एक मामूली सी टीचर बन के रह गई। कम ऑन मंजीत, मामूली टीचर? अरे हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इस नोबल प्रोफेशन में। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन विदाउट अ टीचर? हाँ, द फियर ऑफ एलजेब्रा इज नन, व्हेन यू लर्न इट इट्स फुल ऑफ फन। The fear of algebra is none, when you learn it, it's full of fun. Once you know the values of x and y, I promise you'll score very high. So children,
Today we will solve this equation with the rule of B, O, D, M, A, S. Solve the brackets first. Orders come after that. Divide and multiply. Then you add and subtract. Board must, board must. So children, now you all tell me, what is the answer? What is it? Correct! Board must, board must, board must. Board must, board must, board must. Board must, board must, board must. Board must, board must. Board must, board must. Board must, board must. Board must, चॉकलेट। यस। आज क्लास में दो बच्चों का बर्थडे था। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैडम। ज्योति तेरी रिहर्सल्स कैसी चल रही हैं? एकदम रॉकिंग दीदी। गुड। चलें। दीदी आपकी दवाई। ये क्या है? आप उस दिन कह रही थी ना, आपके घुटनों में दर्द रहता है। तुझे याद रहा? और ये जादुई दवाई हमारे जयपुर के वैजी बनाते हैं, बस सुबह शाम लगा और दर्द गायब। ट्राई करके तो देखो। अरे मगर पैसे कितने हुए ये तो बता। अरे ओ पुष्पा, बता देंगे जरा, आराम तो आ जाए। और अब चलें, वरना आपके 3:30 की लोकल निकल जाएगी। चल। अच्छा बता। बाय। तुम मेरी भी नकल करती? आपकी? कभी नहीं, कभी नहीं। चल झूठ मत बोल। नहीं, दिखा। नहीं, नहीं नहीं, दिखा ना। पीटोगी तो नहीं? नहीं। पक्का? बाय। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एलजेब्रा सिखाऊंगी। x plus y whole square equals to x square plus y square plus फेल होकर आया इसकी तो मैं। अरे मारने से क्या पास हो जाएगा? क्यों बेटा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? करता हूँ आंटी, सारे सब्जेक्ट्स में पास हूँ, पर वो मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और पापा ट्यूशन नहीं लगाते। अबे दिन रात टैक्सी चलाता हूँ तब जाके फीस भर पाता हूँ। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ नवाबजादे को, ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, बाप की तरह टैक्सी न चलानी पड़े, ऊपर से ट्यूशन। अरे अरे रुक जाओ, मैं पढ़ाऊंगी इसे। आप कौन? मैं टीचर हूँ, वहाँ साई सदन बिल्डिंग में मेरा घर है, रूम 203। आप इसे शाम को 7 बजे मेरे पास भेज दीजिए। आप क्या मुफ्त पढ़ाएंगी? फीस तो आप ही लेंगी ना। मेरी फीस ये होगी कि तुम कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाओगे, समझे? सब ठीक स्वाति? हाँ। नमस्कार साहब। ओ तुम आ गई। मैंने ऐसे मुंह सोचकर रखे हैं, देखो आज तुम्हें कैसे मार देता हूं। ये बात है। तो आप रीसेट करो, मैं भी फ्रेश होके आई। बिल्कुल। बाबा, इस साल सीए का रिजल्ट सिर्फ 7% आया है और 2 साल में तो मेरी भी एग्जाम है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, 2 साल बाद मेरी बेटी के ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा होगा, शिल्पा मनोहर सावंत, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
ऐसा डन। तो इसी खुशी में एक एक कप चाय और हो जाए। जरूर अभी बनाती हूँ, लेकिन संभल के अब बाबा, आई आपकी क्वीन आज भी उड़ाने वाली है। पिटेगी तू। ओहो, थैंक यू। ये लो अपने क्लास वाले बच्चों को दे दो जरा, उन्हें भी दे दो। अखिलेश यहाँ हो बेटा। देखो अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इसका ये वाला जो सवाल है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 125। ओ सुनील ठाकुर जी, उठो। अरे उठो। ज्योति, ए ज्योति, उठ गया मेरे बाप, उठ गया। सुनील सॉरी सॉरी। तुम ना, अच्छा सुनो, तो राहुल को प्ले स्कूल तुम ड्रॉप कर देना, आज मैं जल्दी तैयार होकर निकलती हूँ, एनुअल डे है और विद्या दीदी को भी पिकअप करना है। गुड मॉर्निंग मैम। वॉट इज दिस मिस गुप्ता? मैंने टीचर्स का रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का किया था, फिर भी ये लोग 8 बजे से आकर बैठे क्यों? आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। तुमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मैं भूल गई। भूल गई? गुड मॉर्निंग मैम। बैठा इसे इन्फॉर्म करना नहीं भूली? लुक मिस गुप्ता, मेरे किसी भी ऑर्डर को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। कंसिडर इट एज अ लास्ट वार्निंग। यस मैम। यस मैम। जग मगाएंगे जग में।
शिक्षा के लेके सारे उजाले, कल हर दिशा में तुम हो जाने वाले, कल तुम ही होगे जग को संभाले, तैयारी इसकी करो। Mr. Anmol Parekh to come on the stage and say a few words. Are you serious? Thank you, respected principal and trustees. Thank you. Thank you for this honor. I am humbled. Sabka performance bahut acha tha. बहुत ज्यादा खुशी हुई है मुझे ये देखकर और जानकर के हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स इतने ब्राइट हैं, इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं। और आज का बेस्ट प्रोग्राम था द डांस शो, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एंड सुपर्ब कंपोजिशन। और अब मैं उस टीचर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिसने इस शो को बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, मिस कामिनी गुप्ता। मॉर्निंग मैम। सो प्रिंसिपल मैम आई हैं। हाय, मे आई कम इन? ओह यस, प्लीज 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 प्लीज, वेलकम बाय ऑल मींस, वेलकम वेलकम। मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे कांताबेन की न्यू प्रिंसिपल को वेलकम करते हुए। थैंक यू अनमोल। हद है, इतनी अच्छी प्रिंसिपल को हटाकर गुप्ता को प्रिंसिपल बना दिया और किसी ने ऑब्जेक्शन तक नहीं उठाया। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, फेवरिंग मिसेस शास्त्री, बट फाइनली पूरे मैनेजमेंट को मानना पड़ा। लेकिन गुप्ता ने ये किया कैसे? सिंपल सी बात है विद्या मैम, अनमोल पारिक को सेट करके, और क्या। लेकिन वो सेट हुआ कैसे? क्या खुट्टी पिलाई उसे इस गुप्ता ने? ये नरेश पटेल हैं अनमोल, डीजीएम स्कूल के चेयरमैन। इनका स्कूल हमारे कांताबेन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इनके स्कूल में सेलिब्रिटीज और वीआईपीज के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे स्कूल में उनके नौकरों और ड्राइवर्स के। यू नो व्हाई? क्योंकि मिसेस शास्त्री जो हैं वो किसी को भी एडमिशन दे देती हैं। बट आई एम गोना चेंज ऑल दैट। आई विल मेक श्योर दैट कांताबेन becomes the school for the rich and famous. And number one, मुझे मेरा स्कूल इस एरिया में number one करना है। I promised you that. और इसके लिए मैं कुछ changes करूंगी। To begin with, इस session से मैं स्कूल की फीस बढ़ा रही हूँ। क्या? चाय के पैसे? जी।
सेठ ने कहा है कि पैसे लेकर आना, 7 रुपए की एक चाय। दिमाग तो ठीक है तेरा। न्यू प्रिंसिपल न्यू रूल्स। पहले हमारी चाय स्कूल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री थी, अब नई प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया होगा तो कैंटीन वाला अपनी पॉकेट से थोड़ी पिलाएगा। टीचिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने होंगे। वी नीड अप मार्केट टीचर्स। ओके, टेल मी मोर। हमारे स्कूल में कुछ ऐसी टीचर्स हैं जिनकी एज भी ज्यादा है और तनख्वाह भी। अगर ये ना हो तो इनकी एक की सैलरी में 3 नई टीचर्स आ सकती हैं। यंग, प्रिटी, स्मार्ट, और हमारे स्कूल को इंटरनेशनल लुक मिलेगा। तो निकाल दो ये सारे जो बुढ़े टीचर्स हैं, बाहर निकालो उन्हें मेरे स्कूल से, थ्रो देम आउट। हम उन्हें नहीं निकालेंगे अनमोल, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इश्यूज खड़े हो जाएंगे। व्हाट इफ ये खुद ही नौकरी छोड़ दे? फाइन, तुम्हें जो करना करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, बस मेरे स्कूल को नंबर 1 बनाओ। एंड I'll make you one of the directors here. चलिए दीदी, आज मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू। आप सब लोगों को रुकना होगा क्योंकि गुप्ता मैडम मीटिंग लेने वाली हैं। हाँ? है? मीटिंग इस वक्त? हेलो, गर्मा गर्म चाय पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। अरे ठाकुर आयन, हाउ डज इट मैटर यार, अ मैनेजमेंट हिटलर को प्रिंसिपल बनाया या सदाम हुसैन को, हमें इससे क्या? देखो हमारी लाइफ ना सिंपल है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की सीपीयू की तरह। मैं हार्ड डिस्क, तुम मदरबोर्ड, और राहुल है ना एक प्रोसेसर, और तुम्हारी जो नौकरी है ना वो रैम की तरह, जब तो चलती है ठीक है, जब खराब हो गई बदल देंगे। इसलिए अपने दिमाग का रिफ्रेश बटन स्विच ऑन करो, चाय पियो और बाहर घूमने चलते हैं। राइट ठकराए ये ना बात। तेरी मेरी दोस्ती तो पुरानी है, धूप छाओ जैसी तेरी कहानी है। आशाओं से उम्मीदों से आंखें तेरी कभी खाली खाली सी है, कभी भरी भरी। कभी अजनबी बन जाती है, कभी रूठ के मन जाती है। तू जिंदगी है, जिंदगी तेरी मेरी दोस्ती तो पुरानी है, धूप छाओ जैसी तेरी कहानी है। कुछ ख्वाबों की है तस्वीरें, कुछ अनदेखी सी जंजीरें, कुछ आधी अधूरी सी बातें,
कुछ हंसती गाती सी याद, कुछ खामोशी की फरियाद, कुछ मीठे दिन फीकी रातें। सारे बीते सारे आने वाले पल, चल संग थामे थामे तेरा आंचल जिंदगी। नरेश भाई, वो टीवी एक्टर जय कपूर के बेटे के एडमिशन के बारे में बात की थी ना मैंने आपसे अपने डीजीएम स्कूल में। उसको अपने प्रिंसिपल राव से मिला देना। ओके। देन द बॉय बेटर बी गुड, हां? ऑफ कोर्स। यू नो मेरिट वर्क्स इन आवर स्कूल। या या। नो, तंजे विचारू छे ने। आर यू प्लानिंग फॉर ड्रामेटिक्स? हां, कोशिश कर रहा हूं। नरेश भाई। लेट्स सी। हे, हाय दिलेन। आई एम गुड, हाउ आर यू? जलसा। मनसुख भाई ने दिखरो। हेलो सर। ओह, हाय, हाउ आर यू? Very good, sir. How are you doing? Nice to see you. London se MBA kiya hai. Fantastic. Now, what's the business plan in India? Education, sir. You know, it's the best business in this country. And वैसे भी sir, हमारा भी एक school है. Obviously not as big as yours. आपका DGM school तो इस area में number one है. I feel really jealous. Mr. Anmol, सिर्फ इस area में नहीं, his DGM schools are best in entire state. Yeah, of course, I do agree. सर, मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्कूल को आपके स्कूल से भी ज्यादा फेमस बनाऊं। I like your confidence. Of course, sir. I will do it. And you will see I will do it, sir. Good. All the best. But keep education as education, not as business. Yes, sir. All the best. Thank you. Good morning, sir. Good morning, children. Settle down fast. Thank you, madam. Good morning. Good morning. Thank you, madam. अरे मैडम। शंकर। हमारी कुर्सी नहीं है अंदर। अरे हमारी क्लास में भी कुर्सी नहीं है। मेरी भी क्लास में कुर्सी नहीं है। नू चेयर इन द क्लासरूम। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मीटिंग चल रही है? अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। क्लासरूम प्रिंसिपल मैम ने हटवाई है। हाँ? उनका कहना है कि खड़े होकर पढ़ाने से डिसिप्लिन क्रिएट होता है और बच्चे भी अलर्ट रहते हैं। खड़े होकर ही तो पढ़ाते हैं, तो फिर चेयर्स की क्या जरूरत है? पर मैम, अटेंडेंस वगैरह भी तो। नो आर्ग्यूमेंट्स, गो टू योर क्लासेस। आई सेड गो टू योर क्लासेस। कमाल है। रोल नंबर वन प्रेजेंट मिस, टू प्रेजेंट मिस, थ्री प्रेजेंट मिस। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासेस विद स्मार्ट बोर्ड एंड कैमरास, इंटरनेशनल बोर्ड, न्यू लाइब्रेरी, न्यू लेबोरेटरीज, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट and many more projects. Respected members of the Parent Teacher Association, हमारा कांताबेन स्कूल आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा और आपको जानकर खुशी होगी कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, फिर हमारा स्कूल नंबर वन हो जाएगा। अरे मैडम जी, आप जो बोलो। पिंटो मैम, आपकी प्रॉक्सी लगी है। प्रॉक्सी किसकी? रूपा मैडम की। आप 8B में क्लास ले लो अभी, क्योंकि रूपा मैडम प्रिंसिपल मैडम के साथ अर्जेंट मीटिंग में है। ये देखिए, नेक्स्ट। ये देखिए,
इसकी एम्ब्रॉयडरी और ये देखिए ये कैसा है। अच्छा है, दूसरा वाला ऑर्डर जी। Write properly. Oh, thank God. ये लो। नुसरत मैडम, अकाउंट वाले शर्मा जी ने आपके लिए दिया है। लिखा है कि मेरे बेटे इकबाल की फीस बाकी है, लेकिन उसकी फीस तो माफ है ना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ और टीचर्स को एग्जेम्पशन मिलता है। मिलता था, इस साल से फीस देनी पड़ेगी। लेकिन मैडम मैं ये कैसे कर पाऊंगी, स्कूल ने फीस भी बढ़ा दी है और आप तो जानती है ना कि इकबाल के पापा की डेथ हो चुकी है, मैं अकेली कैसे? So, what's the big deal? मैं भी अकेली हूं। क्या है ना नुसरत, ये जो सिंगल स्टेटस है ना, ये मैट्रिमोनियल्स में अच्छा लगता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस में नहीं। नॉट एप्लीकेबल, यू मे गो नाउ। पर मैम, लीव नाउ। Page 22, Chapter 5. Class, open your books. वो तो शंकर ले गया रूपा मैडम के पास। शंकर, शंकर, शंकर। मैडम ये लीजिए। सॉरी, सड़क पे जाम लगा था, 4 मिनट लेट हो गई। 4 मिनट पहले घर से निकलना चाहिए था मंजीत। घर से तो ठीक टाइम पे निकली थी रूपा, लेकिन ए मैडम, कॉल मी मैडम। मैडम प्लीज। नो मंजीत,
रेड मार्क तो लगेगा। यू शुड लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। तू सिखाएगी मुझे डिसिप्लिन? पहले मुझसे तमीज तो सीख ले। नो मंजीत, रेड मार्क तो लगेगा ही। ये देख, मैं चपेटे मार मार तुझे लगाती हूँ। रेड मार्क, नो रेड मार्क, रेड मार्क, ये था रेड मार्क। कॉल मी मैडम। मैडम की बच्ची सड़े हुए पूरे जैसी तेरी शक्ल है। कॉल मी मैडम, मैं बनाती हूँ, मैं तुझे मैडम बनाती हूँ, अभी बनाऊ तुझे मैडम। मंजीत, why are you laughing? आपको मैडम कहने की प्रैक्टिस कर रही थी। मैडम, इट्स ओके। थैंक यू मैडम। आज नुसरत नजर नहीं आई। वो इकबाल का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाने गई है। इट इज सो अनफेयर। हम दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं और अपना बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाए। अरे ये नया टाइम टेबल देखा, मेरे सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए हैं, मुझे हिंदी भी दे दिया है। ऐसी कैसे? तू आर्ट क्राफ्ट की टीचर है, तू हिंदी पढ़ाएगी तो फिर मिस्टर चतुर्वेदी क्या पढ़ाएंगे? What nonsense! इतने क्वालिफाइड हिंदी टीचर को पीटी इंस्ट्रक्टर बना दिया। ये गुप्ता ऐसा क्यों कर रही है? मुझे लगता है ये मिस्टर चतुर्वेदी के फेयरवेल की तैयारी है। फेयरवेल? ये कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। मिस्टर चतुर्वेदी गुप्ता के पहले टारगेट हैं। मतलब? मतलब इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दे दिया है जिसके लिए खुद फिजिकली फिट नहीं है। बेचारे चतुर्वेदी जी खुद ही कुछ दिनों में थक हार कर जॉब छोड़ के चले जाएंगे या सरप्लस कहकर निकाल दिए जाएंगे। पानी ले, पानी। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? आई, तेरे पैर कैसे सूज गए? मैं काम करती हूँ, अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। हाँ, आई मैं। ज्यादा गर्म तो नहीं है?
बस कर आई, कितना काम करेगी, हो गया अब आराम कर। तेरी सीए होने तक करूंगी, बस 2 साल और, फिर तू कमाना और हम आराम करेंगे। अरे ये कभी आराम नहीं करने वाली, इसकी सोशल सर्विस हमेशा लगी रहेगी। अगर नौकरी छोड़ भी दी तो अपने जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती रहेगी बस। लेकिन आज नहीं आई, आज मैं बच्चों को मना कर दूंगी। नहीं शिल्पा, उनके एग्जाम्स हैं, थोड़ी देर, अच्छे नंबर से पास होंगी, प्लीज बेटा। और वो अच्छे नंबर से पास हो गए तो मुझे वो खुशी मिलेगी जो रमाकांत आचरेकर को मिलती होगी जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता था। देखा। गुरुदेव है आई, तू आ स्कूल को छुट्टी कर और घर पे ही आराम कर, वरना बुखार बढ़ जाएगा। हाँ नहीं रे, 99 नॉट आउट, सेंचुरी होती तो छुट्टी ले लेती, बस तू मुझे बुखार की गोली दे, फिर देख मैं कैसे बैटिंग करती। आई सी द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, दिस मींस द सॉल्यूशन इज अ बेस, अगर ये एसिड होता तो देन द कलर वुड टर्न टू रेड। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री सीखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं आपको दे दूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ओके? तो वो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पी फॉर B for Badri, B for Peace. H for Hari, H for Peace. That's right. Sona, Chandi, Tol, Sign, Cos, Tan. P over B. अब इसको अपनी अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, ओके? Sit down. Thank you, madam. Vidya ma'am. आपको शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों की सीट पे सो रही थी। मैं सो नहीं रही थी रूपा, मैंने नोट्स लिख दिए, बच्चे कॉपी कर रहे थे। अच्छा, आपने चेक किया कि वो कॉपी कर रहे हैं या इसकी जरूरत नहीं समझी आपने? मैं चेक करती हूँ। आप चेक नहीं कर रही थी, आप सो रही थी। मैं सो नहीं रही थी। Why are you creating a scene? I am creating a scene? This is the way you talk to your supervisor? But you can't just go on. क्या हो रहा है? देखिए ना मैम, ये बच्चों की सीट पर सो रही थी, मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो ये आर्ग्यू कर रही है। मैं आर्ग्यू नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ मेरे साथ आर्ग्यू करेंगी? मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही थी कि क्या हुआ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है और मैं ठीक से खड़ी नहीं रह पा रही। बुखार है तो घर बैठिए ना, स्कूल आने की जहमत क्यों उठाई आपने? ब्लैकबोर्ड पर कुछ सवाल लिख दिए, अब बच्चों से नोट कर रहे हैं या कार्टून्स बना रहे हैं, आपको क्या पता? एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास में पढ़ाई के समय बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, कार्टून नहीं बनाते। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम। Thank you.
Let's have a surprise test. How many of you know about trigonometry? लेकिन ये तो पहला लेसन. बस तीन हाथ. You. What's your name? मैम, रोहन. रोहन, come here. Explain trigonometry. Come on. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल. बद्री प्रसाद प्रसाद हरी 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 बोल बोल सोना सोना चांदी चांदी तोल तोल. Unbelievable. आप मैथ्स पढ़ा रही हैं कि संस्कृत पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ पर अपने स्कूल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर जाना चाहती हूँ और आप मैथ्स की क्लास में पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पढ़ा रही हैं. But that's the simplest formula. That's the most outdated formula, ma'am. Can I make a suggestion? आप voluntary retirement क्यों नहीं ले लेती? यही तो तुम चाहती हो ना कि हम सब तंग आकर स्कूल छोड़ दे ताकि तुम अपनी मर्जी के न्यू टीचर्स अपॉइंट कर लो जो तुम्हारी चमचागिरी करे. How dare you? Do you know who you're talking to? Yes, I know, and now you listen to me. ये हमारी बदनसीबी है कि तुमको हमारे सर पे बिठा दिया गया है. कोई अच्छा काम करना तो दूर, तुम सिर्फ अपना पावर जताती हो क्योंकि तुम सेडिस्ट हो और टीचर्स को टॉर्चर करने में तुम्हें मजा आता है. मजा तो अभी आया नहीं है विद्या सावंत, मजा तो तब आएगा व्हेन आई चक यू आउट ऑफ द स्कूल. अच्छा, इज इट दैट इजी? किस बुनियाद पर? आई डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस, आई जस्ट टेक एक्शन. Outdated, incapable, incompetent teacher. Parents की complaint लिखित में मेरे खिलाफ. मैं incompetent हूँ? नहीं दीदी. नहीं मैम. मुझे पढ़ाना नहीं आता.
ये गलत है। ऐसा मत सोचिए दीदी। दीदी मैम, दीदी दीदी सीधे रिएक्शन फ्रॉम हियर। जल्दी चलिए, विद्या मैम को कुछ हो गया है। हेलो शिल्पा। करेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि एंजियोप्लास्टी करनी है या ओपन हार्ट सर्जरी। आप रिसेप्शन पे 50,000 डिपॉजिट करके फाइल बनवा लीजिए। एक्सक्यूज मी। I care for my students and I care for my teachers and I always reward the winners. Mr. Rao, All India Quiz Contest ke winners ko hamare management ki taraf se award milna chahiye. Where is the picnic going? To Manali? Yes, sir. See to it that the teachers and the students get free passes, please. Definitely, sir. Let's have a picture. By the way, Mr. Rao, कांताबेन स्कूल का इस क्विज कॉन्टेस्ट में क्या पोजीशन था? सर उन लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया सर। ओह रियली? और वो इडियट अनमोल पारिक हमसे कम्पीट करना चाह रहा था? सर मैंने सुना है कि उनकी प्रिंसिपल ने एक सीनियर टीचर की इंसल्ट की और टर्मिनेट भी कर दिया सर। पुअर टीचर, शी गॉट अ हार्ट अटैक। ओह दैट्स बैड। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने समझा सर कि उनका कांताबेन स्कूल की हर बात मुझे मालूम होनी चाहिए और मुझे ही नहीं सबको मालूम होनी चाहिए। अनमोल पारिक को अपना स्कूल फेमस करना है। आई विल हेल्प हिम। कैन आई स्पीक टू मिस भैरवी ठाकर प्लीज?
कांताबेन हाई स्कूल जैसे जाने माने इंस्टीट्यूट ने अपनी सीनियर अध्यापिका विद्या सावंत को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता। पिछले 28 सालों से वहां पढ़ाने वाली विद्या सावंत को इस बात का इतना सदमा पहुंचा कि उन्हें दिल का दौरा आ गया। इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त यहां स्कूल या मैनेजमेंट की तरफ से कोई मौजूद नहीं। तो क्या विद्या सावंत सच में पढ़ाने में सक्षम नहीं, या उनकी टर्मिनेशन में मैनेजमेंट की कोई चाल है? Yes. Principal, what's happening in my school? I'm surprised myself, Anmol. बहुत छोटी सी बात थी। It was a small school matter. इतनी बड़ी कैसे बन गई? Utter nonsense. Oh, wait a minute. I do see some sense in this nonsense. हमें फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई और डिसिप्लिन की खातिर अपनी सीनियर टीचर्स तक को नहीं छोड़ते। एंड यू नो, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। फाइन। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। विद्या के मामले में मीडिया इंक्वायरी कर रहा है। अगर आप में से किसी से भी कोई सवाल करे तो मैं चाहूंगी आप सिर्फ इतना कहें कि विद्या की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। विद्या वॉज एन इनकेपेबल टीचर। विद्या को नया सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था एंड पेरेंट्स विद्या के खिलाफ शिकायत करते थे। होप आई एम क्लियर। विद्या हैज बीन फायर्ड एंड यू नो व्हाई? Because she was a question mark on the reputation of the school. And I hate question marks. I like full stops. And I chahungi ki Vidya Savant ke maamle mein is school mein full stop lag jaye. All right then. Leave. Madam, इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उस ज्योति का क्या करें? सो फाइन मिस्टर सुनील, आप हमें 30 कंप्यूटर्स और 10 लैपटॉप्स का कोटेशन भेज दीजिए। And I promise you, हम डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। I'll approve it. Thank you. Thank you so much. Oh yeah. ज्योति से कहिएगा मैंने उसे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया है। Tell her to join school immediately. Thank you. ये ले ठकुराइन, तेरा ऑरेंज जूस। देख, मेरे हिसाब से प्रपोजल बुरा नहीं है। प्रमोशन मिल रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे गाड़ी के ईएमआई लौटा देंगे। अब ज्यादा सोच मत। सुनील, अगर कोई कार लोन की ईएमआई ना भर सके तो क्या होता है? हुआ क्या? बैंक वाले गाड़ी उठा के ले जाएंगे और क्या। पर तू ये फिजूल की बातें क्यों सोच रही है? और देख, कब तक यहाँ रहेगी तू? विद्या दीदी को अभी टाइम लगने वाला है। कब तक स्कूल से छुट्टी लेती रहेगी? नौकरी करनी है कि नहीं? हाफ डे भी ले सकती है। हेलो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, कैन आई टॉक टू मिसेस महात्रे? मैम, मैं ज्योति ठाकुर, कांताबेन स्कूल की टीचर जी। मेरा सैलरीड अकाउंट है आपके यहाँ। मैंने आप ही के बैंक से एक कार लोन लिया था और उसके PDC दिए थे। मैम, मैं कार लोन बंद करना चाहती हूँ, आप प्लीज गाड़ी उठवा लीजिए। जी, थैंक यू मैम। ये क्या किया, पागल हो गई क्या?
मैं पागल नहीं हुई, तुम सेल्फिश हो गए हो। तुमने एक बार भी सोचा क्या आउट ऑफ द ब्लूज कंप्यूटर की डील के लिए गुप्ता ने सिर्फ तुम्हें क्यों बुलाया? क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारे जरिए मुझे खरीदना चाहती है। आराम से बोलो ना यार। मुझे सुपरवाइजर इसलिए बनाना चाहती है ताकि मैं अपनी जबान बंद रखूं, और तुम उसकी बातें मानकर मुझे कन्विंस करने चले आए। हमारा साथ देने के बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो। अरे मैंने सोचा। नहीं, शर्मानी चाहिए तुम्हें सुनील। एंड नाउ यू प्लीज गो एंड सेल योर कंप्यूटर्स टू गुप्ता एंड डोंट एवर टॉक टू मी। ज्योति। ऑल टीचर्स एंड स्टाफ अटेंशन प्लीज कम डाउन टू द असेंबली हॉल। All teachers and staff attention please. Please come down to the assembly hall right away. I repeat. Please come down to the assembly hall. मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ये बताने के लिए कि आप सब बेवजह इस गुप्ता से डरते हैं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद बहुत डरी हुई है। ज्योति, बिहेव योरसेल्फ। ए चमची, यू बिहेव योरसेल्फ एंड कॉल मी मैडम। ज्योति मैडम द वुड बी सुपरवाइजर। अगर सिर्फ मैं एक हाँ कर दूं तो पूछ लो इससे, एम आई राइट कामिनी गुप्ता? नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं समझाती हूँ। ये सब बातें प्रिंसिपल मैडम ने मेरे हस्बैंड सुनील के साथ की। मुझे सुपरवाइजर की पोस्ट ऑफर की, उन्हें नए पीसीज के कॉन्ट्रैक्ट का लालच दिया। पता है क्यों? ताकि मैं इनकी पोल ना खोल दूं। कैसे हम सब की जॉब की जरूरत का नाजायज फायदा उठाती है, टीचर्स को एक्सप्लॉइट करती है। इसकी वजह से और सिर्फ इसकी वजह से आज विद्या दीदी अस्पताल में है। क्यों नुसरत, मैं सही कह रही हूं ना? पिंटो मैम, मंजीत बोलो। मिल गया जवाब। इसका टर्मिनेशन लेटर बनाओ। रुक जाओ, मैं अपना रेजिग्नेशन लाई हूं विद रीजन टू रिजाइन एंड दैट इज यू। मगर मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दूंगी, इसकी 3 कॉपीज और जाएंगी। एक एजुकेशन इंस्पेक्टर, दूसरा टीचर्स यूनियन और तीसरा मैनेजमेंट के पास। सबको पता तो चले स्कूल में चल क्या रहा है। गुड आइडिया। बल्कि हमारे ऑफिस में एक जेरॉक्स मशीन है, 100-200 कॉपीज क्यों नहीं बनवा लेती? जिसको मन करे दे देना, दिल्ली भी भिजवा देना। बल्कि मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। ओ या, तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दो। ये लोग तुम्हारे बुलाने पर नहीं आए हैं, मेरी आवाज सुनकर आए हैं। और उसी आवाज को सुनकर तो तुम खुद भी चली आई कामिनी गुप्ता। और रही सपोर्ट की बात, तो एक इंसान का असली सपोर्ट होता है उसका अपना कर्म, उसकी सच्चाई, उसका स्वाभिमान, जिसे तूने ललकारा है और अब जवाब मैं दूंगी। कुर्सियां हटाने का बड़ा शौक है ना तुझे, अब एक कुर्सी और हटेगी। जा रही है? सॉरी यार, तू मेरे दिमाग को जानती है ना,
कभी कभी हार्ड डिस्क थोड़ा करप्ट जाता है, लेकिन अब ठीक है, अब मान जाना प्लीज। तूने मुझको समझाया है, दुख पल दो पल की छाया है, तू बढ़ के मिटा दे अंधियारे। तू सच की सब किरने चुन ले, तू एक नया सूरज बुन ले, तू कर दे फिर से उजियारे। सारे बीते सारे आने वाले पल, चले संग थामे थामे तेरा आंचल जिंदगी। नमस्कार, मैं भैरवी ठक्कर इंडिया न्यूज की खास पेशकश अभियान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अध्यापकों के बारे में। अध्यापक यानी गुरु, गुरु जिनको हमारे शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। माँ बाप अगर जन्म देते हैं तो गुरु शिक्षा। आज ऐसी ही एक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, कांता बेन हाई स्कूल की MSc BEd टीचर ज्योति ठाकुर। नमस्ते। आप बताएं, आप टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह आई? सुना था इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। अभी अभी आपने भी कहा कि गुरु के बारे में हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा गया है, लेकिन मेरा मानना ये सब शास्त्रों में ही रह गया, किसी ने अमल नहीं किया। ये तो ज्योति मैम है। ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर किया होता तो आज विद्या मैम अस्पताल में नहीं होती। मैं दर्शकों को बता दूं, विद्या सावंत वही टीचर हैं जिन्हें कांताबेन हाई स्कूल ने इंसल्ट करके टर्मिनेट कर दिया था। सॉरी भैरवी, टर्मिनेट उन्हें स्कूल ने नहीं, आज के सिस्टम ने किया है। सिस्टम ने? वो कैसे? हमारा सिस्टम, खासकर एजुकेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफेंस में है उन्हें बहुत सम्मान सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि रहने को घर, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन वगैरह वगैरह, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और वो जो देश को पढ़ाते हैं, क्या वो किसी सम्मान, किसी सुविधा के हकदार नहीं है? आज मल्टीनेशनल कंपनीज को ही ले, ये तो मेरी टीचर है। वो अपने वर्कर्स की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर कॉल सेंटर में भी काम कर लो तो उनकी स्टार्टिंग की सैलरी उतनी है जितनी विद्या मैम की आज 28 साल पढ़ाने के बाद है। और मैं दावा करती हूँ उनमें से कोई भी विद्या मैम जितने एजुकेटेड नहीं है। बस प्रोफेशन का फर्क है, उन्हें कंपनी की गाड़ी लेने और छोड़ने आती है, हम टीचर्स को ट्रेन या बस में कंसेशन तक नहीं मिलता। पर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है। रिस्पेक्ट हमारे देश में रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके प्रोफेशन में पैसा होता है, पावर होती है। रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशियंस को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, जिन्हें चीफ गेस्ट बनाया जाता है, रिबन कटवाए जाते हैं। आपने कभी सुना कि कोई टीचर सेलिब्रिटी हो और उनसे कुछ इनॉग्रेट करवाया गया हो? कभी देखा कि कोई टीचर किसी BMW या ऑडी से आता हो, धोती कुर्ता पहने पैदल, पाँव में चप्पल और हाथ में छाता, ये टीचर की छवि होती। और सही भी है, टीचर की जितनी सैलरी है कैसे कैसे तो बेचारे घर चलाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स को कोई अलाउंस या सब्सिडी नहीं मिलती? अलाउंस मिलता है ना, SSC एग्जाम्स में टीचर्स को 3 घंटे खड़े रहकर सुपरवाइज करने का अलाउंस मिलता है। पता है कितना? 25 रुपए। सिर्फ 25 रुपए? और एक आंसर शीट चेक करने के 4 रुपए 25 पैसे। कितने? 4.25 रुपए। वो चवन्नी जो बंद हो चुकी है ना, वो हम टीचर्स पर अब भी लागू है। और ये पैसा स्कूल की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद टीचर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी, उन्हें कभी भी अचानक स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इज दैट सो? कभी सरप्लस कहकर तो कभी इनकेपेबल, जैसे कांता बेन ने विद्या मैम को निकाल दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है, बस पैसे कम देने पड़ जाए और उनकी जगह अनट्रेन्ड अनक्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है। That's very sad.
ज्योति, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन एनीवन फॉरगेट देयर टीचर्स? हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है जिसने उन्हें ABCD लिखना सिखाया, या फिर दो का टेबल याद करवाया, KG से SSC और फिर कॉलेज तक? कितने टीचर्स ने आपको अपने ज्ञान के स्रोत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया? किसी ने कभी ये सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम, या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज दूं? जैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स के ज्ञान की जरूरत है, उसी तरह टीचर्स को स्टूडेंट्स के प्यार और सम्मान की। हमारे देश में सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है, अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? जवाब दीजिए। आज एक भी अर्जुन अपने द्रोणाचार्य का हाल पूछने तक नहीं आया। शुक्रिया ज्योति। तो ये है आज की टीचर्स के हालात। टीचर्स की जिंदगी में नई सुबह का आगाज होना चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है, इसीलिए इंडिया न्यूज ये अभियान जारी रखेगा। शुभ रात्रि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। तूने कल ज्योति मैम का इंटरव्यू देखा क्या? नहीं, क्या था उसमें? बेबी यू मिस्ड इट। सबसे पहले वीडियो डाउनलोड करो, okay. अपने अपने फ्रेंड्स को देखो, okay, मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू हर स्टूडेंट देखे। सच यार, she is right, हम अपने टीचर्स को भूल गए हैं। हाँ यार। यार तुम लोग को पता है, मैंने आज अपनी सभी टीचर्स के नंबर्स निकाले और उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास के बाद मिलते हैं ना? हाँ, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विजय सर, इन सब की तबीयत तो ठीक है ना आज? लगता है कल भैरवी का प्रोग्राम देखा है। ये देखिए सर, मैंने भी आज सुबह अपने टीचर को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है। नाइस। मॉर्निंग सर। भैरवी, कांताबेन स्कूल ना MD मिस्टर पारेख नो फोन छे। થોડી વાર માટે હોલ કરવાને, એમને કે હું બિઝી છું। હા, ક્યા હો બેટા? હા, ધ શી ઇઝ પુટ મી ઓન હોલ્ડ। યા ઓકે, કૂલ કૂલ, નો પ્રોબ્લેમ્સ। બેર વી હિયર તો ઠીક હે ના? હાઉ ડેર યુ, હાઉ ડેર યુ, તુમને મેરા સ્કૂલ મીડિયા મે ઉછાળા હે। I'll sue you in the court of law for this. Do you get that? तो फिर लॉयर को फोन कीजिए ना। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? Hey you! Hey Anmol, 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 Anmol. जो दिख रहा फिर भी, आपने एक बीजा ने मदद करनी चाहिए। तू पण गुजराती छे, हूँ पण। हिंदी में बात करिए, हिंदी में, राष्ट्रभाषा में। मेरा इंटरव्यू भी हिंदी में था। और मैं एक नेशनल न्यूज चैनल के लिए काम करती हूँ, समझे? बहुत ही बदतमीज लड़की है तू। तू गुजराती है, मैं गुजराती हूँ, इसलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू, अरे तेरे बाप जैसा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट माय डैडी। और मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी गरीब का हक नहीं मारते। और आप क्या मैं गुजराती लगा के बैठे हैं? क्या शान है आपकी गुजराती होने में? हमारा गुजरात जाना जाता है सरदार पटेल से, महात्मा गांधी जी से, आप जैसे लोगों से नहीं, समझे? चलिए, अब तो प्रधानमंत्री भी गुजराती हैं, तो गुजराती में समझाती हूँ। तुम्हारे स्कूल ना टीचरों ने एम नो अधिकार आपो, नहीं तो तुम्हारो ढोल वगाड़े देश। जय माता जी। हमारे देश में सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है,
अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? हम विद्या मैम के अर्जुन, उनके सपोर्ट के लिए रैली निकाल रहे, चलते हो? ओ पाजी, हम तो उनके स्कूल में पढ़े ही नहीं। ओए आहो, साड़ी टीचर थोड़ी है वो। ओहो पाजी, लेकिन टीचर तो है ना। हाँ। चल तू अर्जुन ना सही, एकलव्य बन जा। हाँ जी वीरे, एकलव्य सिंह। एगल है, चलो फिर। जो बरे सोनिहाल। The LED artery is 100% blocked. Stent is deployed. Angioplasty is successful. गुप्ता, प्लीज कम। नमस्ते कामिनी जी। जी नमस्ते। नमस्ते। हैव अ सीट आफ्टर यू। मिस गुप्ता, ये हैं 3S न्यूज चैनल के चीफ एडिटर मिस्टर अविनाश कुमार। वेल अविनाश जी, मैम, सर्स, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं प्रिंसिपल हूँ कांताबेन जैसे प्रेस्टीजियस स्कूल की। आई मीन सर की तो ग्रेट ग्रैंड मदर के नाम पर स्कूल है। आई कांट गिव यू एनी रीजंस टू लेट यू डाउन सर। इतना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा स्कूल और इस सेशन में तो इतनी बड़ी फैमिलीज के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, तो उनके स्टैंडर्ड्स पर आने के लिए हमें भी तो अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे ना सर। आई डोंट वॉन्ट इनकॉम्पिटेंट टीचर्स एंड इतना बड़ा इशू। Excuse me. Can I have a glass of water, please? अरे हमारी प्राइवेट स्कूल है, हम जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे निकाल दें, हमारी मर्जी। Who are these people? अरे यहाँ के सोशल वर्करों माटे थोड़ी बेटा चाहिए। अविनाश जी। जी। हमें क्या करना होगा? मैं तो कहती हूँ मनसुख भाई, सॉरी बोलो और बात को खत्म कर दो। क्या? हम लोग उन वर्थलेस और यूजलेस टीचर्स को सॉरी बोलेंगे? आया मनमोल पारिक, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। What crap is this, Dad? क्या है ना सर, एक बार सॉरी बोलेंगे ना तो हर गलती मैनेजमेंट की ही मानी जाएगी। करेक्ट। आज दो आवाजें उठी हैं, कल 10 उठेंगी। किस किस को सॉरी बोलेंगे? क्यों अविनाश जी? I also feel whatever she's saying is right. मेरे ख्याल से आप लोग भी अपने स्टैंड पर रहें कि ये विद्या और ज्योति पढ़ाने में इनकेपेबल हैं। और कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि ये दोनों टीचर्स अपनी काबिलियत प्रूव कर सकें। बाकी मैं देख लूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मुंबई के एक रेप्यूटेड स्कूल कांताबेन ने अपनी दो टीचर्स विद्या सावंत और ज्योति ठाकुर को नौकरी से निकाल दिया। पर क्यों? कुछ तो वजह होगी। इसका खुलासा हम करेंगे 3S न्यूज पर। आइए इस बारे में बात करते हैं कांताबेन की प्रिंसिपल कामिनी गुप्ता जी से। आजकल कंपटीशन का जमाना है, नए सिलेबस, नए आइडियाज वाले लोगों की जरूरत होती है। अपडेटेड टीचर्स चाहिए जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो। हम ऐसे इनकॉम्पिटेंट टीचर्स रख के अपने बच्चों के फ्यूचर्स के साथ नहीं खेल सकते। जी देखिए, विद्या जी जो है वो मैथ्स उनका पढ़ाने का ढंग बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड है। और ज्योति जी जो है वो साइंस पढ़ाने से ज्यादा उनका ध्यान मिमिक्री में है, डांस में है। I need good teachers for my school, not jokers. Thank you, Kamini ji.
और अब मीडिया के सामने रो रो कर अपनी मनगढ़ंत तकलीफें सुनाने का इनका एक ही मकसद है, आप सबको इमोशनल करके आपकी सिंपैथी हासिल करना। प्लीज अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसी टीचर्स के हाथ में ना दें जिन्हें पढ़ाना नहीं आता। जो गुड टीचर्स नहीं है, दे आर फेक। और रही बात हार्ट अटैक की, इस बारे में बात करते हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आई पी सिंह जी से, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा गया है कि विद्या सावंत मनीष, दिल करता है कि इसके टकले पे इतने जूते मारूं, इतने जूते मारूं कि वहाँ बहुत सारे टक्कल निकल आए। पक्का इसने मैनेजमेंट से पैसे खाए हैं। इसका शो देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात को सच माने। इंडिया न्यूज की आईडी पर कुछ मेल आए हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इट मे हेल्प यू। थैंक यू। आई, तुझे होश आ गया? तू रुका, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। तेरे बाबा कैसे? आई, ये ले, बाबा से तू खुद बात कर ले। मैं आती हूँ। हेलो शिल्पा, सब ठीक है ना? नमस्कार साहेब, हाल क्या है आपके? हॉस्पिटल में तू है और हाल मेरा पूछ रही है। यहाँ तो बहुत लोग हैं, आप वहां अकेले हैं? नहीं नहीं, मैं भी यहाँ अकेला नहीं हूँ। तेरे सब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं हर रोज पढ़ाई करने के लिए और सब मेरा खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। देखो, वनिता चाय बनाकर लाई है मेरे लिए। मेरे बीवी के अच्छे कर्मों का अच्छा फल मुझे मिल रहा है। आप अपना ख्याल रखो, जल्दी मिलते हैं। विद्या, मैंने चेस के कुछ नए मूव सोच कर रखे हैं, इस बार तुझे जरूर हरा दूंगा। ऐसा? आप रीसेट करो, मैं जल्दी आती हूं। और हम सब अपनी विद्या मैम के इंतजार में हैं, है ना? है ना? लव यू। सुना, जल्दी आ जाओ। शाम को ही उन्हें ये सब दे आते हैं, उन्हें जरूरत होगी ना। अरे ओ पुष्पा, कितनी फ्रेश, कितनी अच्छी लग रही हो। स्टूडेंट्स बुला दूं? हाँ, पिटेगी तू। दीदी, मैं कहता हूँ एक दिन ना पीटी दो, मेरे बस की बात तो है नहीं, कोई कर सकता था सिर्फ आप। हाँ मोश, ये देखो देखो इसको। हाय भैरवी, विद्या मैम इज फीलिंग मच बेटर नाउ। हाँ ओके ओके, आज शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं भैरवी ठक्कर आज आपके सामने ला रही हूँ विद्या सावंत ज्योति ठाकुर मामले में एक नया मोड़। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि क्या ये काबिल टीचर्स हैं
क्या इन्हें पढ़ाना आता है? क्या ये वाकई एक शिक्षक की जिम्मेदारी निभाने के लायक हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आइए नजर डालते हैं। हाय, आई एम समीर शर्मा, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नासा। हम लोग यहाँ स्टार्स और प्लैनेट्स का अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और मेरी लाइफ का पहला कैलकुलेशन मुझे सिखाया था विद्या मैम ने। आई होप यू रिमेम्बर मी मैम। मैं साइंटिस्ट तो हुई, पर विद्या मैम आपसे इंस्पायर होकर मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सो किड्स, व्हाट आर वी स्टडिंग टुडे? ट्रिग्नोमेट्री। एंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक्सीलेंट, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र आपने मुझे सिखाया और मैं इसे आगे सिखा रहा हूँ। आई कॉल इट विद्यास फॉर्मूला। मैम प्लीज गेट वेल सून, वी लव यू अ लॉट एंड यू आर द बेस्ट। हम जाकिर खान। विद्या मैम मुझे आज भी याद है, एक बार आपकी क्लास में मैं कागज के प्लेन्स उड़ा रहा था, आपने नाराज होने के बजाय मेरे सर पर हाथ फिरा कर कहा, इसमें क्या मजा है, अगर उड़ाने ही हैं तो रियल प्लेन्स उड़ा कर दिखाओ। आपकी वो बात मेरे दिल को छू गई मैम। आज मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन्स उड़ा रहा। थैंक यू सो मच मैम फॉर मोटिवेटिंग मी। हेलो, आई एम पूर्णिमा राजवंश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ। ज्योति मैम मेरी साइंस टीचर थी। ज्योति मैम विद ऑल योर ब्लेसिंग्स मैं इबोला वायरस पे रिसर्च कर रही हूँ और बहुत जल्द उसकी वैक्सीनेशन भी बना लूंगी। वो लोग बहुत स्टूपिड हैं जो आपकी काबिलियत पर शक करते हैं। हाय, आई एम दीपक राजगौर, अ लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा बचपन झोपड़पट्टी में बीता है, मैथ्स में कमजोर था। पिता मैं मुझे ही नहीं बस्ती के कितने ही बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी, चला दिया उन्होंने हमें। मेरी कामयाबी के पीछे विद्या मैम का हाथ है। थैंक यू मैम। विद्या मैम मुझे ही नहीं बस्ती के और कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी, देखिए आज मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। हाय, दिस इज विकास मेहरा, मेजर इंडियन आर्मी। हाय, आई एम जागृति सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। विद्या मैम एंड ज्योति मैम आप ही से सीखा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य में उचय थे। वी आर द आईआईटी टॉपर्स, ज्योति मैम एंड विद्या मैम फॉर आवर टीचर्स। लव यू मैम, यू आर द बेस्ट। ये थे उनके एक्स स्टूडेंट्स जो आज विश्व भर में बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं, और अब मिलते हैं उनके वर्तमान छात्रों से, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। विद्या मैम, ज्योति मैम, हम आपको बहुत मिस करते हैं। आप बहुत अच्छी टीचर हो, जल्दी से स्कूल आ जाओ ना प्लीज। विद्या सावंत और ज्योति ठाकुर के छात्रों ने हमें इतने वीडियोस भेजे कि उन्हें यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं, पर ये बात खुलकर सामने आती है कि दोनों ही अध्यापिकाएं अपनी सभी छात्रों की चहेती हैं, जिनके पढ़ाए बच्चे समाज में इतने प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति तूने किया ना। क्या उन नहीं दीदी, आरोप लगाना ठीक है कि उन्हें पढ़ाया? ये जो आपने जिंदगी भर किया है ये उसका फल है। इस खास रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। हरवी ठक्कर के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। कामले, मंत्री जी को फोन दे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिस वे सर। एक्सक्यूज मी विद्या जी, ये हैं। हेलो विद्या मैम, पहचाना? 1992 बैच, सब मुझे जेडी जेडी कहकर बुलाते थे, पर आप नहीं। आप कहती थी जेडी ऐसा लगता है जैसे किसी स्मगलर का नाम है। आप मुझे जावेद ही बुलाती थी। जावेद दुर्रानी? सॉरी, मैंने नहीं पहचाना, कितने बदल गए हो। पर आप बिल्कुल नहीं बदली, आप आज भी मेरी वही विद्या मैम है। टिंग। यही करती थी ना क्लास में। आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मैं लंदन में था इसलिए मुझे आपके बारे में लेट पता चला, लेकिन अब मैं आ गया हूं। बीपी इज नॉर्मल, शुगर इज इन चेक, एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर, आई वॉन्ट समबडी विथ हर 24/7, और इनके हेल्थ अपडेट्स
डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, ओके? श्योर सर। और आप मैम, आप रेस्ट करेंगी, सिर्फ रेस्ट, नहीं तो ऐसा पहली बार होगा कि एक स्टूडेंट से एक टीचर को डांट पड़ जाएगी। टेक केयर। ऐसे कैसे रेस्ट कर पाएंगी, हॉस्पिटल के बिल का भी तो इंतजाम करना है। विद्या मैम, आपके एक्स स्टूडेंट डॉक्टर जावेद हमारे देश के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी। आपके सारे बिल्स वेव ऑफ कर दिए गए हैं और सर ने ऑर्डर किया है कि आपको अभी वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जाए क्योंकि आप उनकी फेवरेट टीचर हैं। आइए, आइए सर। हम मंत्रियों को आप जैसे ऑफिसर से बड़ी उम्मीद होती है। वो टीचर का मामला रफा दफा करवा दो, बहुत बवाल मचा के रखा है, बहुत। सर, जब दो काबिल टीचर्स को इंसल्ट करके स्कूल से निकाल देंगे, बवाल तो मचेगा ही। बराबर है, बराबर है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं उन दोनों को इससे अच्छे स्कूल में इससे अच्छे पगार की नौकरी दिलवाता हूँ। ऊपर से पारिक साहब से कह के दोनों को 10-10 लाख रुपया दिलवाता हूँ। लेकिन सर, दूसरे स्कूल में क्यों? भाई, ये स्कूल वाले अपनी गलती क्यों नहीं मानते? मोटी मानसियत, बड़े लोग हैं, बड़े लोग कभी गलत नहीं होते। क्या है ना, वो सरकार हिला देंगे लेकिन अपनी बात से नहीं लेंगे। है ना? देखिए सर, जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते। है तेचे। हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं, सर आप दोनों पार्टी से मेरी एक मीटिंग करवा दें। जाली समझा है? हाँ? जाली हो गई, हो गई। गुड सर। Are you sure? इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? डेफिनेटली सर, लाइव, सबके सामने। आज पब्लिक की सिंपथी उनके साथ है, सो लेट द पब्लिक ओनली डिसाइड। पर भैला, अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा तो तब होगा जब हम उन्हें जीतने देंगे। मिस्टर राजीव, दिस विल वर्क ओनली ऑन वन कंडीशन। सवाल हमारे होंगे एंड आई विल मेक द क्वेश्चंस। Okay, done. I'll put your name in selectors panel. अगर हार गए तो? आई, मेरे ख्याल से सर की बात मान लेनी चाहिए। 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं और तू अपने विरार में ही जॉब कर लेना। नहीं शिल्पा, इससे स्कूल वाले सही और हम गलत हो जाएंगे। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। क्यों दीदी? दीदी, मैं तो कहता हूं सब करने की क्या जरूरत है, सबका दिल तो जानता ही सच्चाई क्या है। सबका दिल तो ये भी जानता था कि सीता पवित्र थी, फिर भी उसे अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ी थी। जब रामराज्य में ऐसा हो सकता है तो ये तो कलियुग है। हम तैयार हैं। मुझे यकीन था कि आपका यही जवाब होगा, तो फिर मैं तैयारी करता हूं। आई, टीचर काकू आली। संभालो ना आई। कशी आहेस? Thank you.
जी 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 दीपक जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके डन, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। सबका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज के इस बहुत ही खास प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं, कांताबेन स्कूल ने दो सीनियर टीचर्स मिसेस विद्या सावंत और मिसेस ज्योति ठाकुर को आउटडेटेड और नाकाबिल कहकर नौकरी से निकाल दिया। उनकी काबिलियत को परखने के लिए यह क्विज कॉन्टेस्ट रखा है, जिसका आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पापा, मम्मी टीवी पे। इनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे प्रिंसिपल कामनी गुप्ता जी ने और एक न्यूट्रल पैनल ने सेट किया है। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं और इसका प्राइज मनी बहुत बड़ा है, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 500 लाख, 500 लाख। जी हाँ, अगर ये 10 के 10 सवालों का सही जवाब दे देती हैं, तो आप इन्हें 5 करोड़ देंगे, आप इन्हें स्कूल में वापस रीइंस्टेट करेंगे और आप पब्लिकली इनसे माफी मांगेंगे। मंजूर है आप दोनों को? यस, आई नो। अग्रीमेंट प्लीज। मनसुख भाई, क्या क्या लूट है ये? अरे लूट वूट कुछ नहीं प्रेम भाई, प्राइज मनी तो एक चारा है जो लालच में आके ये मछलियां निगल गई हैं। विद्या जी, ज्योति जी, अगर आप ये कॉन्टेस्ट हार जाती हैं, तो आपका टीचिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आप अग्री करती हैं कि अगर आप हार गईं, तो आप कहीं और पढ़ाएंगी नहीं। मंजूर है? Yes. इस कॉन्टेस्ट के हर सवाल पर एक विनिंग अमाउंट है। जितने सही आंसर्स ये देती रहेंगी, उतना अमाउंट बढ़ता जाएगा।
किसी भी स्टेज पे अगर ये आंसर नहीं जानते तो ये आपका जीता अवार्ड लेकर बैठ सकती है। लेकिन वो आपकी हार होगी, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट लाना है, 10 के 10 सही जवाब। आपको ये भी मंजूर है? जी। गुड, अग्रीमेंट प्लीज। अरे ये क्या है, मैं तो इनको सीधे सीधे 10 लाख रुपए दे रहा था। सर आपका तरीका सीधा कहाँ था, आप तो पैसे अंडर द टेबल दे रहे थे खैरात की तरह। जो इन्हें मंजूर नहीं हुई, आज ये जो भी जीतेंगी अपनी मेरिट पे। हाँ तो शुरू करते हैं। आपको हर सवाल के जवाब के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा। आपके लिए एक लाइफ लाइन भी है जिसके बारे में आपको तब बताऊंगा जब आपको इसकी जरूरत हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए ये। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शंस आर ए 1915, बी 1911, सी 1942, डी 1947। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 1911। ये पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, ओरिजिनल बंगाली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था 24th of January 1950 को एज अ नेशनल एंथम। यस यू आर राइट, 1911। दूसरा सवाल 20,000 के लिए। सिख धर्म में लड़कों के नाम के साथ सिंह लगाया जाता है, जैसे नवजोत सिंह, सुरजीत सिंह, और लड़कियों के नाम के साथ कौर, जैसे नवजोत कौर, सुजीत कौर। सिंह का साहित्यिक अर्थ है शेर, कौर का साहित्यिक अर्थ क्या है? ए शेरनी, बी शिष्या, सी बेटी, या डी राजकुमारी। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। आई थिंक इट्स शिष्या। शिष्या डिसाइपल्स, सिख डिसाइपल्स होते हैं गुरु नानक जी के, इट शुड बी शिष्या। देखो सिख शब्द का अर्थ तो डिसाइपल है, लेकिन गौर का नहीं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड सरदार जी थे जिनकी बेटी का नाम जीत कौर था, वो हमेशा उसे प्रिंसेस ऑफ विक्ट्री कहते थे। विक्ट्री का मतलब जीत, तो कौर का मतलब होगा प्रिंसेस। जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी सर, इट इज डी राजकुमारी। ज्योति जी, शिष्या कहती तो गलत होता। शी इज राइट, इट्स द राइट आंसर, राजकुमारी। तीसरा सवाल 50,000 रुपए के लिए। सवाल है, इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही शख्स को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उनका नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए विंग कमांडर MS बाबा, बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सी ग्रुप कैप्टन अर्जुन सिंह, या डी स्क्वाड्रन लीडर RK शर्मा। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। 1971 वॉर, निर्मलजीत सिंह सेखो, इन्होंने 3 प्लेन गिराए थे और फिर शहीद हो गए थे। आई एम प्रीटी श्योर, बोल दो। ओके, ऑप्शन बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। You are absolutely right. The correct answer is Flying Officer Nirmaljit Singh Sekhar. और आपको बता दूं, हमारी सरकार ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप इशू किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है? जी। गुड। चौथा क्वेश्चन 1,00,000 रुपए के लिए ये। Describe this picture. ये इंडिया का पहला रॉकेट है, Nike Apache. 1963 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था केरला में तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन से।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था, क्योंकि स्टेशन पर एक ही लॉन्च पैड था जिसका रास्ता घने नारियल के पेड़ों से होकर गुजरता था। एंड दे आर राइट। सर एक और बात, इस रॉकेट पर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था ना, उनमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। ताज्जुब है कि ये बात तो यहाँ दर्ज ही नहीं है, और इनकी जनरल नॉलेज तो क्वेश्चन सेट करने वालों से ज्यादा है। क्यों सर, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, 5 लाख के लिए। दलाई लामा हम सब जानते हैं, लेकिन दलाई और लामा इन शब्दों का अर्थ क्या है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। दलाई एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है विशाल, जैसे कि महासागर, और तिब्बतन जबान में लामा स्पिरिचुअल लीडर को कहते हैं। तो इस पदवी पे जो होते हैं उन्हें दया का महासागर यानी ओशन ऑफ कंपैशन माना जाता है। फिलहाल तो मुझे आप लोग ओशन ऑफ नॉलेज दिख रहे हैं, क्योंकि ये सही और सटीक जवाब है। छठा सवाल, प्राइज मनी 10 लाख रुपए के लिए। ये वीडियो देखिए, ये चश्मे पहने हुए साहब जो नाच रहे हैं ये कौन है? Identify him and your time starts now. मैंने सुना ज्योति बहुत अच्छा डांस भी करती है, तुमने डांस का ही क्वेश्चन डाल दिया। Relax, ये तो कोई फॉरेन फिल्म है। ये मैंने देखी हुई है। क्या सर ये ब्रूस ली है? मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे पता है सर, ये ब्रूस ली ही है। मेरे हस्बैंड ब्रूस ली के डायहार्ड फैन है, और मैं डांस की, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किंग ऑफ मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली एक ट्रेन डांसर थे। स्टार बनने से पहले वो चाचा चा सिखाया करते थे। मुझे तो यकीन नहीं है, बट आपका कॉन्फिडेंस है तो लेट्स सी। क्या है ये? ओह माय गॉड, आप बिल्कुल सही हैं। आप जीत गए हैं 10 लाख रुपए। शी रिकॉग्नाइज ब्रूस ली टू। नॉट मी। वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, 50 लाख, 50 लाख रुपए के लिए, और वो है याहू वेब पोर्टल। याहू, इसका फुल फॉर्म क्या है? याहू का भी कोई फुल फॉर्म है? That's a good question. Well, obviously, याहू का फुल फॉर्म क्या है? And your time starts now. YAHOO officials. Yet another hierarchical officious oracle. Oh God. She's right. We've done it. Wonderful. वैसे मुझे नहीं पता था याहू का भी कोई फुल फॉर्म है। गूगल का भी कोई फुल फॉर्म है क्या भाई? Yes sir, है ना? Really? Google, Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Oh my God, this is incredible!
ये टीचर्स आउटडेटेड नहीं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। चलिए आठवां सवाल, 1 करोड़ के लिए। टीचर्स रेडी फॉर 1 करोड़। द क्वेश्चन, हु डिजाइंड द फर्स्ट पेट्रोल कार? किसने डिजाइन की थी फर्स्ट, पहली पेट्रोल की गाड़ी? हु डिजाइंड द फर्स्ट पेट्रोल कार एंड व्हेन, कब? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Have 30 seconds. Carl Benz, 1886. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। Yes! यार, वाह, वाह। जीत गई 1 करोड़ रुपए। लगता है लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है और मेरे दिल की धड़कन। क्या है कि ये मेरा पहला शो है ना, इसलिए। अगला सवाल 2 करोड़ के लिए। 2 करोड़। टीचर्स, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डा गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे, वो नक्शे किसने बनाए थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Teachers, 10 seconds now. हमें हेल्पलाइन चाहिए। स्टॉप द क्लॉक। आ तो गया गया। आपकी हेल्पलाइन ये है कि इस सवाल पर यहां मौजूद टीचर्स में से किसी एक टीचर से आप हेल्प ले सकती हैं। अगर उनका जवाब सही हुआ तो आप 2 करोड़ रुपए जीत जाएंगे और गेम ऑन रहेगा, लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ तो गेम यहीं खत्म और आपने जितना रुपया जीता है वो 0 हो जाएगा। तो बताइए, आप हेल्पलाइन लेना चाहेंगी या 1 करोड़ रुपए लेके क्विट करेंगी ये गेम? 1 करोड़ रुपया है, ले लो ले लो, है ना? सर फिर वही बात, तो इनके स्वाभिमान का क्या होगा? स्वाभिमान गया खड्डे में, 1 करोड़ माल आ रहा है ना। आई शपथ, सर होते तो ले लेते, आई ना सर। ये पॉलिटिशियंस नहीं, ये टीचर्स हैं, ये आगे खेलेंगे। चुप ना, हम खेलेंगे सर। गुड शो। फिर बताइए, इस टीचर सेक्शन में किस टीचर की हेल्प लेना चाहेंगे आप? मिसेज इंदु शास्त्री। हमारे कंटेस्टेंट्स ने मिसेज इंदु शास्त्री जी को जवाब देने के लिए चुना है। मिसेज इंदु शास्त्री जी, प्लीज।
मिसेज इंदु शास्त्री जी प्लीज आते हैं। I'll repeat the question for you. क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डा गामा जब दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने कुछ नक्शे फॉलो किए थे, वो नक्शे किसने बनाए थे? ये नक्शे अरब स्कॉलर मोहम्मद अल इदरीसी ने बनाए थे। इनकी एक खास बात थी, ये नक्शों को उल्टा बनाया करते थे, मतलब नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। लोग इन नक्शों को उल्टा रखकर पढ़ा करते थे। आपको भी कांताबेन स्कूल से निकाला गया था? कमाल की परख है आपकी। थैंक यू। वेरी इंटेलिजेंट, क्या बात है आप दोनों की। क्योंकि जो कह रही है ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। यू हैव 1,000 रुपीज। थैंक यू मिसेस शास्त्री, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल, आर पार सवाल, इधर या उधर, आर यू रेडी? प्राइज मनी फॉर 5 करोड़। 5 करोड़ के लिए यह सवाल। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, एक सीक्रेट बताया है, वो क्या है? यह आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप अपना समय ले सकती हैं। मैं रिपीट करता हूं, श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, वो क्या है आपको बताना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। एक युग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन का मतलब 8 मील। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 9,60,00,000 माइल्स। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई देम वी गेट 15,36,00,000 किलोमीटर्स। और भानु मतलब सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। करोड़ आपके। ब्रावो। इंडिया
टीचर्स ने आपका नागरिक शास्त्र हिला दिया। हाँ, कोई बात नहीं। Brilliant, brilliant, brilliant. I salute these teachers. Wonderful, brilliant, brilliant. अनमोल पारिक साहब, आप अपनी चेकबुक तो लाए हैं ना? या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप जीतने ही वाले हैं? और सुनिए, ये डिस्कशन आप बाद में कीजिए, जरा वो 5 करोड़ का चेक लिख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्लैप प्लीज। थैंक यू। यस, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर पारिक। आज वाकई आपका स्कूल बहुत फेमस हो गया। थैंक यू। और आपको याद है कि आपको इन दोनों को स्कूल में रीइंस्टेट करना है, याद है? यस। गुड शो, गुड शो। आप दोनों के लिए प्राइज मनी। वंडरफुल, वेल डिजर्व। एक्सक्यूज मी मैडम, आप शायद कुछ भूल रही हैं। आपको इन सबके सामने इनसे माफी मांगनी थी। प्लीज। नहीं, शायद सुना नहीं आपने। हेलो, आपको इनसे माफी मांगनी है। अरे भाई, आवाज सुनाई दे रही पीछे तक। हेलो हेलो, आपको इनसे माफी मांगनी है। अपोलोजाइज, सॉरी। I'm sorry. Talia! इंडिया न्यूज पे आज के स्पेशल प्रोग्राम ने इतिहास बना दिया। दो टीचरों ने अपने ज्ञान के बलबूते 5 करोड़ जीता है। ब्रावो, बहुत बढ़िया। हाँ तो विद्या जी, ज्योति जी, आपने इतनी बड़ी रकम जीती है, अब तो आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। आराम कहाँ, काम तो अब शुरू होना है। वो स्कूल तो अभी बनना बाकी है जिसका सपना डॉक्टर राधा कृष्णन देखा करते थे, जहाँ शिक्षा का व्यापार ना हो, जहाँ पेरेंट्स पर बच्चों की महंगी फीस का टेंशन ना हो, जहाँ कोई नुसरत का इकबाल स्कूल से ना निकाला जाए, जहाँ किसी चतुर्वेदी, मंजीत या पिंटो की आंखें नम ना हो। और अब यह स्कूल बनेगा, इन पैसों से बनेगा। अच्छा, तो ये स्कूल बनाएंगे? हम नहीं, हमारी शास्त्री मैम। शास्त्री मैम, और फिर आप दोनों? वही, चौक एंड डस्टर। Thank you.